सब्सक्राइब कीजिए परमार होममेड चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गाजर का हलवा, और देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। ये हमने ड्राई ग्रेप्स लिए, ब्लैक ड्राई ग्रेप्स, और ये हमारे पास घी है, वो करीबन हमने 200 ग्राम के आसपास लिया। ये हमारे पास किशमिश है, और ये हमारे पास ड्राई फ्रूट है काजू और बादाम, वो हमने करीबन 50 ग्राम के आसपास लिया है। और ये चीनी है, वो हमने करीबन 200 से 250 ग्राम के आसपास लिया। और ये कैरेट है, गाजर है, वो 1 किलो हमने लिया था, उसको हमने क्रश कर लिया, इसे छीन लिया। और ये हमारे पास 1 ग्लास ऑफ मिल्क है, 1 ग्लास मिल्क। और ये फ्रेंड्स हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, दूध का मावा है। ये हमने पैन को पहले से ही हाई हीट पर रखा है। अब हम इसके अंदर 2 और 3 चम्मच घी डालेंगे। हमें कैरेट को, गाजर को इसमें पकाना है, और हमें करीबन 3-3.5 चम्मच के आसपास हमने घी लिया। अब हम इसके अंदर गाजर डालेंगे, जो हमने गाजर को छीन लिया था वो डालेंगे हम इसके अंदर। फ्रेंड्स, ध्यान में ये रखना है हमें कि इसको हमें दबा कर इसका पानी निकल लेना है। जो हमने गाजर को छीन लिया था उसका हमें पानी निकल लेना है, इसको दबा कर। और ये हमने गाजर इसमें पैन में ले लिया है हमें। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं घी के साथ, और इसको अच्छे से पकने में करीबन 20 मिनट तो लगते ही है। तो 20 मिनट तक हमें इसे ऐसे ही छोड़ना नहीं है, मीडियम हीट पर और लो फ्लेम पर रखकर हमें इसको ऐसे मिक्स ही करना है करीबन 15 से 20 मिनट तक। फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स अब ये 20 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके अंदर ये 20 मिनट के बाद हम इसके अंदर अब दूध डालेंगे, जो हमने 1 ग्लास लिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे दूध के साथ। जो फ्लेम है हमें वो लो ही रखनी है अभी। और फ्रेंड्स, अब हमने दूध जो मिक्स किया है इसे भी हमें 15 से 20 मिनट तक गाजर को दूध के साथ पकने देना है, और इसको हमें बीच बीच में इसको मिलाते रहना है, अच्छे से मिक्स करते रहना है। और फ्रेंड्स, इसको भी हमें करीबन 15 से 20 मिनट तक इसको भी ऐसे सेट करना होगा, इसको पकने देना होगा दूध के साथ। फ्रेंड्स, करीबन 15 मिनट के बाद ये सेट हो चुका है, और ये दूध के साथ बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और बहुत अच्छे से पक गया है। अब फ्रेंड्स, हम इसके अंदर अब 1 चम्मच घी डालेंगे और मिला लेंगे इसको। अब हम इसके अंदर चीनी डालेंगे और इसको मिला लेंगे चीनी के साथ। इसको हम ऐसे ही 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, इससे चीनी और ये जो हमारा मिक्स है गाजर का वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको हम 1-2 मिनट के लिए मिला लेंगे, ऐसे मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, करीबन 2-3 मिनट के बाद ये चीनी भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, अब हम हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हमने दूध का मावा लिया, मिल्क मावा, वो अब हम इसमें डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स होने में करीबन 2-3 मिनट लगते हैं, पर फ्लेम को हमें धीमी आंच पर ही रखना है, जैसे बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए।
और फ्रेंड्स करीबन 2 मिनट के बाद ये ऐसे अच्छे से सेट हो चुका है। अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर अब हम किशमिश और जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए वो अब हम डालेंगे इसके अंदर। डालेंगे इसके अंदर और फ्रेंड्स अब इसको हम बहुत पासा मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स ये हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। अब फ्रेंड हम इसकी प्लेटिंग कर दें और ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये हमारी डिश गाजर का हलवा तैयार हो चुकी है और इसकी हमने बहुत अच्छे से प्लेटिंग कर ली है और ये बहुत अच्छा दिख रहा है और बहुत ही टेस्टी है गाजर का हलवा। अगर फ्रेंड्स आप हमारे ऐसे ही डिलीशियस वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड लेट्स एन्जॉय इट।